क्या अपकमिंग फिल्म रेस 4 में सलमान खान नहीं नजर आने वाले हैं? कब हो रही है फिल्म रिलीज और क्या होगी रेस 4 की स्टोरी लाइन? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, जब रेस 3 को रिलीज किया गया था तो सलमान खान के तमाम फैन से लेकर ऑडियंस को रेस 3 से काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद ही उनकी एक्सपेक्टेशन डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं, फिल्म ने हालांकि 180 करोड़ की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन ऑडियंस के दिलों पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फिल्म की स्टोरी लाइन को पूरी तरीके से ऑडियंस ने नकार दिया। रेस 3 के रिलीज के बाद इसे काफी ट्रॉल किया गया था सोशल मीडिया पर और काफी मीम्स भी बने थे। इसी वजह से फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने करीब 3 महीने बाद फिल्म को लेकर खास बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन ट्रोल्स ने मुझे मेंटली काफी इफेक्ट किया है। उन्होंने बताया कि मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूं, भले ही फिल्म ने कमर्शियल बिजनेस अच्छा किया और मुनाफा भी कमा लिया, लेकिन इन ट्रोल्स ने मुझे काफी इमोशनली इफेक्ट किया है। रेस 3 क्योंकि एक कमर्शियल फिल्म थी और इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक ठाक कमाई की, तो इसी वजह से इसे एक फ्लॉप फिल्म नहीं घोषित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि क्रिटिक्स ने भी इस पिक्चर को अच्छी रेटिंग्स नहीं दी थी और ऑडियंस ने तो साफ नकार दिया था फिल्म की स्टोरी लाइन को। जब अनिल कपूर से पूछा गया कि उन्होंने रेस 3 क्यों साइन की, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस पिक्चर को साइन किया पैसों के लिए। दोस्तों, जब रेस 3 को रिलीज किया गया था तो उसी वक्त ये कंफर्मेशन आई थी कि रेस 4 में भी सलमान खान नजर आने वाले हैं। हालांकि फिलहाल इन तमाम खबरों पर विराम लग चुका है। जी हाँ, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है रेस 3 के बाद कि शायद रेस 4 में आपको सलमान खान नहीं नजर आएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिलहाल सलमान खान का करियर कुछ खास नहीं चल रहा है। उनकी बीती कुछ फिल्मों ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया बल्कि ऑडियंस को भी खासा निराश किया है। इन फिल्मों की रेटिंग्स भी काफी बुरी हैं और शायद इसी वजह से रेस 4 में उनका नाम खुलकर सामने नहीं आ रहा है। अपकमिंग फिल्म रेस 4 रेस फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म होने वाली है और ये भी अपनी बाकी फिल्मों की तरह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा खूब सारा सस्पेंस। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप रेस 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आप सलमान खान को रेस 4 में देखना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।